नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट की बात करेंगे। फंडामेंटल राइट न सिर्फ आपकी परीक्षाओं के लिए बल्कि एक नागरिक होने के नाते भी आपको अपने मूल अधिकारों को जानना आवश्यक होता है कि आखिर एक भारत का नागरिक होने के नाते आपको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। तो हम लोग आज अपने वीडियो में उसी की चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा नज़रिया आपका परीक्षा होगा। परीक्षाओं के लिहाज से जो बिंदु महत्वपूर्ण होंगे, हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल राइट में अधिकार को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम अधिकार किसको कहते हैं। तो अधिकार वर्ड जो है वो ये होता है कि ये किसी प्रकार की एक मांग होती है, एक डिमांड होती है, और वो ऐसी डिमांड होती है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आवश्यक होता है। अभी हमने इसको सिर्फ और सिर्फ अधिकार के रूप में डिफाइन किया है, अभी हमने किसी अधिकार की बात नहीं किया है। कहने का मतलब हो गया कि ऐसा कोई मांग, ऐसी कोई डिमांड जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हो, तो ऐसी मांग को ही हम क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। अब इस अधिकार को जब हमको फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट करना होगा, तब कुछ प्रोविजंस सामने आएंगे। लेकिन उसके पहले अधिकार से ही जोड़कर अगर आप देखें तो कुछ अन्य प्रकार के भी अधिकार आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग पहली चर्चा करेंगे मूल अधिकार की, जिसको आप कहते हैं फंडामेंटल राइट। तो पहला अधिकार हमारा क्या हो जाएगा, मूल अधिकार की हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरे पर हम लोग अधिकार की चर्चा करेंगे, प्राकृतिक अधिकार क्या होता है, प्राकृतिक अधिकार। तीसरे पर हम लोग चर्चा करेंगे मानवाधिकार क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग चौथे नंबर पर चर्चा करेंगे कि कानूनी अधिकार क्या होता है। कानूनी अधिकार, तो अधिकार से जो भी सिमिलर वर्ड हैं, हम लोग उन सभी का एक डेफिनेशन जानेंगे और सभी में एक अंतर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा हो गया मूल अधिकार, दूसरा हो गया हमारा प्राकृतिक अधिकार, तीसरा हुआ मानवाधिकार, और चौथा हुआ कानूनी अधिकार। तो अधिकार के ये चार प्रकार आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। बेसिकली आपको यही समझना है। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी अधिकार मूल अधिकार कब होगा। कोई भी अधिकार मूल अधिकार कब होगा, जब हम यहाँ पर भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी अधिकार हमको मूल अधिकार करना है तो उसका प्रावधान कहाँ पर होना चाहिए, भारत के संविधान में। अब भारत के संविधान में प्रावधान होना चाहिए, तो संविधान में प्रावधान इसका है कहाँ, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में मूल अधिकारों की विस्तृत चर्चा की गई है। इतनी विस्तार से चर्चा की गई कि उतने विस्तार से विश्व के किसी भी संविधान में इतनी विस्तृत चर्चा मूलाधिकारों की नहीं की गई जितना हमारे देश के संविधान में किया गया है। तो आपको ये पता हो गया, फैक्ट के रूप में क्वेश्चंस आएगा कि संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 आप बताएंगे। किस आर्टिकल में है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी करता है, तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 12-35 के बीच में मूलाधिकारों की चर्चा की गई है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है कि हमारे देश के संविधान में मूलाधिकारों को कहाँ से लिया गया है, तो आंसर आपका होगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब इसके बाद हम लोग पॉइंट्स की अगर आप बात करें, आगे बढ़ें, तो एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, आंसर आपका होगा कि संविधान का भाग 3 ही क्या है, मैग्ना कार्टा कहलाता है। क्यों कहलाता है, ऐसे थोड़ी होता है कि हमने कह दिया मैग्ना कार्टा है भाग 3, कैसे होता है। तो मैग्ना कार्टा शब्द जो है वो एक प्रकार का दस्तावेज या एक प्रकार का प्रावधान किया गया था, प्रोविज़न था। कहाँ पर था ये ब्रिटेन के संविधान में किया गया था। तो ब्रिटेन के संविधान में कब किया गया, 1200
पंद्रह ईस्वी में, 1215 ईस्वी में वहाँ के जो राजा थे, सम्राट थे, उनका नाम था जॉन द्वितीय। तो जॉन द्वितीय ने यहाँ पर अपने नागरिकों को, ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए और उसी अधिकार पत्र को ही क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया था। अब यहाँ पर सवाल आपको ये पूछा जाएगा कि संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा है, तो आंसर आप लगा लेंगे भाग तीन को। जॉन द्वितीय कौन थे, ब्रिटेन के सम्राट थे जॉन द्वितीय, 1215 ईस्वी में वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर और समझनी है कि ब्रिटेन का संविधान किस प्रकार का है। तो ब्रिटेन का संविधान लिखित है कि अलिखित है, ब्रिटेन का संविधान मुख्य रूप से अलिखित है, लेकिन जो ये मैग्ना कार्टा वाला प्रावधान है, यही वाला प्रावधान क्या है, वहाँ का लिखित प्रावधान है। तो ब्रिटेन के संविधान में मैग्ना कार्टा का उल्लेख किया गया था। इसके बाद एक वर्ड और आता है बिल ऑफ राइट्स का। बिल ऑफ राइट्स भी किससे संबंधित है, मुख्य रूप से संविधान के मूल अधिकारों से ही संबंधित है, लेकिन इसका प्रोविज़न कहाँ पर किया गया था, अमेरिका के लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो ये आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलाधिकारों का एक सामान्य सा परिचय हो गया है। अब इसमें जो अगला हमारा है वो है प्राकृतिक अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार, इसको आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक अधिकारों की। तो प्राकृतिक अधिकार हम किसको कहेंगे, तो प्राकृतिक अधिकारों का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई अधिकार, इसके नाम से ही आपको कन्फर्म है कि ऐसा कोई अधिकार जो हमको नेचर के द्वारा मिले, प्रकृति के द्वारा मिले, तो ऐसे अधिकारों को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक अधिकार कहेंगे। तो प्राकृतिक अधिकार नेचर के द्वारा मिलता है, यानी जन्म से ही मिल जाता है, प्रकृति ने हमको वो अधिकार दिया है, इसलिए वो क्या हो गया, प्राकृतिक अधिकार हो गया। अब बात करते हैं मानवाधिकार को। मानवाधिकार का मतलब होता है मानव होने के नाते, किसी मनुष्य को मानव होने के नाते जिन अधिकारों के प्रयोग करने की शक्ति हमको मिलती है, उन सारे अधिकारों को हम क्या कहेंगे, मानवाधिकार कहेंगे, ह्यूमन राइट्स कहेंगे। इसमें अब जैसे देखिए कि मानवाधिकार का मतलब हो गया, अगर मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्य होने के नाते हमको किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, हमें स्वच्छ पानी की आवश्यकता होगी, हमें स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होगी। तो ये सारे अधिकार कैसे हैं, जीने का अधिकार हमको होना चाहिए, हमारे साथ कोई क्रूरता नहीं होनी चाहिए, ये सारे अधिकार कौन से हैं, मानवाधिकार हैं। चूँकि हमें वो सारे अधिकार मनुष्य होने के नाते मिले हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद अगला है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार का मतलब हो गया कि ऐसे भी कुछ कानून अधिकार हैं जो कि हमें कानून के द्वारा मिलते हैं। कानून का मतलब जैसे आप सुनते होंगे आईपीसी है, सीआरपीसी है, तो इन सब के जरिए अगर हमें कुछ अधिकार मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कानूनी अधिकार। अब बेसिकली अगर कानूनी अधिकार को थोड़ा सा और आप डिफाइन करें तो आप ये कह सकते हैं कि विधायिका के द्वारा, जो हमारा यहाँ का लेजिस्लेचर है उसके द्वारा पारित किया गया अगर कोई कानून है तो उसको हम क्या कहते हैं, कानून कह देंगे। और उसके द्वारा अगर कोई हमको अधिकार मिला है तो उसको हम क्या कहेंगे, कानूनी अधिकार कहेंगे। जैसे अगर अभी आपको याद हो तो हाल ही में रिजर्वेशन के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि हम अनुच्छेद 32 के तहत आरक्षण के मुद्दे की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, चूँकि वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो एक कानूनी अधिकार है। तो कानूनी अधिकार होने के नाते फंडामेंटल राइट की तरह हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ये डिसीजन था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। कभी हम लोग रिजर्वेशन पर अलग से चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चारों अधिकार कन्फर्म हो गए। अब आपको ये सवाल देखना है कि आखिर फंडामेंटल राइट इन सभी अधिकारों से कैसे अलग है। एक चीज़ यहाँ पर आपको और देखना है, वो मैंने मिस किया था, कि इसको मान्यता कौन देता है, UNO देता है, संयुक्त राष्ट्र संघ देता है। अब मूल अधिकार अन्य अधिकारों से अलग कैसे है, इसकी हम लोग चर्चा करें। तो उसमें आप देखेंगे कि मूलाधिकारों को जो अन्य अधिकारों से जो प्रोविज़न अलग करता है
उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है क्या कि इसको उल्लंघन होने पर, इसका उल्लंघन होने पर हम सीधे तौर पर कहाँ जा सकते हैं, दो हमारे पास न्यायालय होंगे, सुप्रीम कोर्ट और होगा हाई कोर्ट। तो हम सीधे मूलाधिकारों के उल्लंघन पर हम राज्य के खिलाफ, कुछ हद तक व्यक्तियों के खिलाफ भी हम कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हम लोग आर्टिकल्स की बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर इसकी सुनवाई होती है। तो ये हो गया मूल अधिकार अन्य अधिकारों से कैसे भिन्न है, मतलब कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं तो ये क्या है, न्याय योग्य है। इसको हम क्या कहेंगे कि ये न्याय योग्य है। न्याय योग्य का मतलब है कि इसका उल्लंघन होने पर हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, बाकी और अधिकारों के लिए हम नहीं जा सकते हैं। नॉर्मली अगर देखें कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन वो सारी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ कानूनी अधिकार मूल अधिकार हो सकता है, तब उस रेफरेंस में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। कुछ मानवाधिकार भी फंडामेंटल राइट हो सकता है, कुछ प्राकृतिक अधिकार भी फंडामेंटल राइट हो सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से आपको उन्हीं सारे उल्लंघन, जो आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उसको हमें फंडामेंटल राइट के साथ जोड़ करके देखना होगा। इसका भी आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर फंडामेंटल राइट को कैसे हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया, यानी कि हम लोग अब बात करेंगे डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर हमारे देश में संविधान के अंतर्गत मूलाधिकारों को शामिल करने के लिए कौन कौन से चरणों को, कौन कौन से स्टेप्स को अपनाया गया। तो संविधान में मूलाधिकारों की मांग सबसे पहले किसने किया था, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल होता है कि पहली बार इसको किसने शामिल करने की बात किया था। तो 1895 साल कौन सा था, 1895, और मांग किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहली बार मूलाधिकारों को संविधान में शामिल करने के लिए बात किया था। दूसरा साल था 1918, साल 1918 में भी संविधान के अंतर्गत शामिल करने की बात की गई, और साल 1918 जो था वो था बम्बई अधिवेशन कांग्रेस का। कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भी इसकी मांग की गई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आपको एक सवाल यहाँ से और मिल जाता है, हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। साल 1918 का वक्त था और जगह थी बम्बई, तो यहाँ पर भी संविधान में मूलाधिकारों को शामिल करने की बात किया गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है साल 1925। साल 1925 में किसने मांग किया था, एनी बेसेंट ने। साल 1925 में एनी बेसेंट ने मांग किया कि जिस तरह से ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, उसी तरीके से भारतीयों को भी कुछ मूल अधिकार दिए जाने चाहिए। तो 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के लिए इन्होंने बात किया था, इंडिया के अंतर्गत इन्होंने फंडामेंटल राइट को शामिल करने के लिए बात किया था। इसके बाद साल 1927 में चौथे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, साल 1927 में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, मद्रास अधिवेशन। ये कहां पर है, तमिलनाडु में। तो मद्रास अधिवेशन में भी यहां पर बात किया गया था, और मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था, मुख्तार अहमद
अंसारी। तो मुख्तार अहमद अंसारी की अध्यक्षता में 1927 में मद्रास का अधिवेशन हुआ और उसमें भी मांग किया गया कि भारतीयों के लिए भारतीय संविधान में मूलाधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए। इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि 1927 के बाद भारतीय संविधान में मूलाधिकारों को शामिल करने की कब बात की गई थी। तो 1927 के बाद जो साल है वो है 1928 का। 1928 से आप मुझे लगता है कि अच्छे से परिचित होंगे। साल 1928 में आया था नेहरू की रिपोर्ट। क्या आया था? नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट को एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपकी परीक्षा में कि नेहरू रिपोर्ट को किसने प्रेजेंट किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था या जवाहरलाल नेहरू ने किया था? तो सही आंसर आपका होगा मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी फंडामेंटल राइट को भारतीय संविधान में शामिल करने की मांग की गई थी और इसमें तकरीबन 19 मूल अधिकारों को शामिल करने की बात की गई। कितने मूल अधिकार? 19 फंडामेंटल राइट को शामिल करने की बात की गई। लेकिन आज इस 19 में से तकरीबन 10 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो किसी न किसी तरीके से, चाहे वो डायरेक्ट हों चाहे वो इनडायरेक्ट हों, लेकिन 10 मूल अधिकार ऐसे हैं जो आज भी हमारे संविधान में मौजूद हैं। तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट भी इस संदर्भ में आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं 1931 की। 1928 के बाद अब बात होगी 1931 की। तो 1931 में अगर आप देखें तो यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन हुआ था और दूसरी घटना थी कराची का अधिवेशन। तो कराची के अधिवेशन और गोलमेज सम्मेलन, इन दोनों जगहों पर फंडामेंटल राइट को शामिल करने की बात की गई। लेकिन अब यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में किसने मांग किया था? तो वहाँ पर किया था गांधी जी। और कराची के अधिवेशन में किसने बात किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर भारतीय संविधान में मूलाधिकारों को शामिल करने की बात की थी। तो 1928 और 1931 में भी भारतीय संविधान में मूलाधिकारों को शामिल करने की बात की गई है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि 1931 के बाद कब इसके लिए मांग की गई थी। तो अगली जो डिमांड थी वो 1945 में 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने भारतीय संविधान में मूलाधिकारों को शामिल करने के लिए बात किया था। तो 1945 में किसने किया है? 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने किया था। तेज बहादुर सप्रू, थोड़ा सा इनके बारे में आप यहाँ और जानिए कि इन्होंने ही अधिकारों को दो पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सा पार्ट था? एक था अधिकारों को, इन्होंने कहा कि ऐसा एक अधिकार होगा जो न्याय योग्य होगा। कैसा होगा? न्याय योग्य, मतलब इसके उल्लंघन पर हम कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरा कौन सा था? न्याय योग्य नहीं होगा, मतलब कि इसके उल्लंघन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते। तो जिसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं उसी को कहा गया फंडामेंटल राइट, और जिस पर हम कोर्ट नहीं जा सकते उसी को कहा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने भी भारतीय संविधान में मूलाधिकारों को शामिल करने के लिए बात किया, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, इसको बहुत तरीके से नहीं माना गया। लेकिन आगे चल करके कुछ समय के बाद ही जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन जो भारतीय संविधान को बनाने की सिफारिश किया, तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि हाँ, मूल अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए और नागरिकों को कुछ अधिकार दिया जाए और अल्पसंख्यकों को भी उनके अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इसी बात को लेकर के आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उस समिति में तकरीबन 54 सदस्य थे, 54 मेंबर्स थे इस समिति में। और इसी समिति का ये जिम्मा था कि आपको मूलाधिकारों को शामिल करने वाली बात को शामिल करना है।
आगे चल करके एक मूलाधिकार उपसमिति बनाई गई, मूलाधिकार उपसमिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और उसके बाद अल्पसंख्यक के लिए भी एक अलग से समिति बनाई गई, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अल्पसंख्यक समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष थे हरीश चंद्र मुखर्जी। तो इस वीडियो में साथियों आपने देखा कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, फंडामेंटल राइट को हमारे संविधान में कहां पर शामिल किया गया है, कहां से हमने इसको ग्रहण किया है, और उसके बाद फंडामेंटल राइट को हमारे देश के संविधान में शामिल करने का एक पूरा क्रम क्या था, हमने यहाँ तक आपसे बात किया। अगले वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, किस तरह से उसमें किन किन बातों का प्रोविज़न किया गया है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए लर्निंग मंत्रा का ऑनलाइन पाठशाला।